दृष्टि आई के टुडेज डे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रीकैप से तो उसमें पहला प्रश्न था वैन गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इसका उद्गम महादेव पहाड़ियों से होता है कथन दो यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कथन तीन वैन गंगा नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ऑप्शन से ए केवल एक बी केवल तीन सी केवल एक और दो या फिर डी केवल दो और तीन तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश निकारा गुआ के साथ सीमा साझा करता है एक अलसल्वाडोर दो होंडुरास, तीन कोस्टारिका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ए केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन या फिर डी एक दो और तीन तो इस सवाल का सही जवाब था बी यानी केवल दो और तीन तीसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है या हैं? एक सिक्योर कम्युनिकेशन दो आपदा प्रबंधन या फिर तीन फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग आपको दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था ऑप्शन थे एक केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और तीन या फिर डी एक दो और तीन तो इस सवाल का सही जवाब था डी यानी एक दो और तीन अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है जो पूर्व में एंडीज़ और पश्चिम में प्रशांत महासागर के बीच स्थित है कथन दो अटाकामा मरुस्थल इसके उत्तरी भाग में स्थित है कथन तीन विश्व का सबसे बड़ा ताम्र शहर इसी देश में स्थित है आपको बताना था कि ये कथन निम्नलिखित में से किस देश का सही से वर्णन करते हैं ऑप्शन थे ए बोलीविया बी पेरू सी चिली या फिर डी अर्जेंटीना तो सही जवाब था सी चिली। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कथन एक नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग यानी ए आर आई आई ए संस्थानों को केवल तकनीकी श्रेणी के तहत रैंक प्रदान करती है कथन दो ए आर आई आई ए शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ए आई सी टी ई -E की एक संयुक्त पहल है आपको बताना था कि इनमें से कौन से या कौन सा कथन सही है या सही है ऑप्शन थे ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो सही उत्तर था बी केवल दो अगला प्रश्न पढ़े भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कथन एक यह सौ दिन का रीडिंग कैंपेन है कथन दो अभियान में बाल वाटिका से कक्षा दस तक के छात्र भाग ले सकते हैं उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है ऑप्शन से ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही दो तो इस सवाल का सही जवाब था ए केवल एक अगला प्रश्न रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी कथन दो अविनाश चंद्र डी के पहले अध्यक्ष थे आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन थे ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक ना ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर था सी यानी एक और दो दोनों अगला प्रश्न एस फोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह रूस द्वारा डिजाइन की गई एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली यानी है। कथन दो इसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थार्ड से काफी उन्नत माना जाता है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है या नहीं है ऑप्शन थे ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही दो उसका सही जवाब था ए केवल एक अगला प्रश्न ग्वादर पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है कथन दो भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर बंदरगाह से मात्र छिहत्तर समुद्री मील की दूरी पर स्थित है आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ऑप्शंस थे ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही दो तो उसका सही जवाब था सी एक और दो दोनों अब दसवां और अंतिम प्रश्न जिरकॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है कथन दो इसे इसराइल ने विकसित किया है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ऑप्शंस थे ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही दो तो इसका सही जवाब था ए यानी केवल एक अब बारी है आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से हमने आपसे पूछा था श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह है एम एस स्वामीनाथन के दिमाग की थी कथन दो इसने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों पर ध्यान केंद्रित किया उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं? ऑप्शंस थे ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो इसका सही जवाब था बी यानी केवल दो भारत में श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन के दिमाग की उपज थी अतः कथन एक सत्य नहीं है उनके सानिध्य में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी जैसे कई अहम संस्थान स्थापित किए गए इस क्रांति का आधार ग्रामीण दुग्ध उत्पादों की सहकारिता रही है ऑपरेशन फ्लड के दौरान उनकी प्रमुख भूमिका दूध उत्पादन में वृद्धि के रूप में देखी गई। इस नीति ने विलय और अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय डेयरी निगमों के प्रवेश का भी समर्थन किया है अतः कथन दो सही है हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश अब बारी है आज के पहले प्रश्न की सॉलिड स्टेट बैटरी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं एक उच्च सेल ऊर्जा घनत दो कम चार्ज समय तीन चार्जिंग साइकिल अधिक चलने की क्षमता चार लंबा जीवन निम्नलिखित कूटो का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ऑप्शन है ए एक दो और तीन बी दो तीन और चार सी एक तीन और चार या फिर डी एक दो तीन और चार तो इस सवाल का सही जवाब है डी यानी एक दो तीन और चार कैलिफोर्निया स्थित एक बैटरी स्टार्टअप क्वांटम स्केप कॉर्प के शेयर ने सीईओ के लिए एक बहु अरब डॉलर के वेतन पैकेज को मंजूरी दी है सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर सेपरेटर को सॉलिड स्टेट सेपरेटर से बदल देती है सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक के कुछ फायदे हैं जैसे उच्च सेल ऊर्जा घनत्व कम चार्ज समय चार्जिंग साइकिल अधिक चलने की क्षमता लंबा जीवन एवं बेहतर सुरक्षा अतः विकल्प डी सत्य है अगला प्रश्न असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह अधिनियम मुख्य रूप से बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया था कथन दो यह पुलिस को संपत्तियों के जब्त करने का अधिकार देता है यदि पुलिस के पास प्रथम दृष्टया विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति पिछले पंद्रह वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन से प्राप्त की गई है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी दोनों एक और दो या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो इस सवाल का सही जवाब है ए यानी केवल एक असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को एक संशोधन के माध्यम से और अधिक कठोर बनाया गया है असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 बांग्लादेश में मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए पारित किया गया था यह बिना वैध दस्तावेजों के असम से मवेशियों के अंतर राज्य परिवहन को प्रतिबंधित करता है अतः कथन एक सत्य है संशोधन पुलिस को संपत्तियों के जब्त करने का अधिकार देता है यदि पुलिस के पास प्रथम दृष्टया विश्वास करने का कारण हो कि संपत्ति पिछले छह वर्षों में अवैध पशु व्यापार से अर्जित धन से प्राप्त की गई है अतः कथन दो असत्य है तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ ए केवल एक अब बारी है अगले प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा आग डी ट्राइम्फ स्मारक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ए फ्रांस बी स्विट्जरलैंड सी जर्मनी या फिर डी ऑस्ट्रिया तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांस फ्रांसीसी अधिकारियों ने पेरिस में आग डी ट्राइम्फ स्मारक से यूरोपीय संघ के झंडे की अस्थाई स्थापना को हटा दिया राष्ट्रपति इमान मैक्रो के दक्षिण पंथी विरोधियों ने उन पर फ्रांसीसी पहचान को मिटाने का आरोप लगाया अतः विकल्प ए सत्य है आग डी ट्राइम्फ उन लोगों का सम्मान करता है जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी और नेपोलियन युद्धों में फ्रांस के लिए लड़े और मारे गए इसमें सभी फ्रांसीसी जीत और जनरलों के नाम इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों पर अंकित हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए फ्रांस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कथन एक शराब भारतीय संविधान की सातवी अनुसूची के तहत संवर्ती सूची का विषय है कथन दो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम लागू करेगा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो इसका सही जवाब है बी केवल दो हाल ही में बिहार सरकार ने अवैध शराब निर्माण की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है अनुच्छेद सैतालीस के तहत भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा गया है कि राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम लागू करेगा अतः कथन दो सत्य है शराब भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है अतः कथन एक असत्य है तो इस तरह सही जवाब हुआ बी यानी केवल दो अगला प्रश्न रानी वेलू नचियार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक नचियार ने एक सेना का गठन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन की मांग की कथन दो चेन्नई की ओवीएम नृत्य अकादमी ने शिवगंगा रियासत की रानी पर एक भव्य नृत्य नाटक वेलू नचियार प्रस्तुत किया आपको बताना है की इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एक और दो दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलू नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की वेलू नचियारो के बारे में जानते हैं उन्होंने एक सेना का गठन किया था और 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक अभियान शुरू करने के उद्देश्य से हैदर अली के साथ गठबंधन की मांग की थी इसलिए कथन एक सही है 31 दिसंबर 2008 को उनके नाम पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था चेन्नई की ओवीएम नृत्य अकादमी ने शिव गंगा रियासत की रानी पर एक भव्य नृत्य नाटक वेलू नचियार प्रस्तुत किया इसलिए कथन दो भी सही है तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ सी दोनों एक और दो अगला प्रश्न मेजर ध्यानचंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक वह चार बार स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक टीम का हिस्सा थे कथन दो मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो तो इसका सही उत्तर है बी केवल दो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी मेजर ध्यानचंद एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी के जादूगर नाम से भी जाना जाता है उन्होंने 1926 से छब्बीस तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले और अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए वे 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक टीम का हिस्सा थे इसलिए कथन एक सही नहीं है खेल रत्न पुरस्कार के अलावा खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी 2002 में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 को हुआ था इसीलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इसलिए कथन दो सही है तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ बी केवल दो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ खबरों में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय अथवा धर्म जातीयता से संबंधित है सिख बी बौद्ध सी कन्फ्यूशियस या फिर डी मुंडा उसका तो सही जवाब है बी बौद्ध लद्दाख में आज पारंपरिक नया साल मनाया जा रहा है जिसे लोसर के नाम से जाना जाता है लोसर महोत्सव इस क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जा रहा है इसलिए विकल्प बी सही है इस महोत्सव में रोशनी की व्यवस्था देवी देवताओं का अनुष्ठान कार्यक्रम आदि शामिल है उत्सव की शुरुआत मठों स्तूपों आवासों और अन्य धार्मिक स्थानों में रोशनी की जगमगाहट और जे चौखापा उत्सव के साथ की जाती है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी अगला प्रश्न आज सावित्री बाई फुले की जयंती है उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक उन्होंने देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका को नियुक्त किया था कथन दो शिशु हत्या रोकथाम गृह का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया था आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही दो तो इसका सही उत्तर है डी ना तो एक ना ही दो तीन जनवरी को समाज सुधारक और नारीवादी आइकन सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है सावित्रीबाई फुले का जन्म तीन जनवरी 1831 को हुआ था नौ साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से कर दिया गया था उस समय वे अनपढ़ थी लेकिन उनके पति ने उन्हें घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपना नाम दर्ज कराया था जिनमें से पहला अहमदाबाद में और दूसरा पुणे में है इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद वह भारत की पहली महिला शिक्षिका और पहली भारतीय प्रधानाध्यापिका बनी थी सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत के पहले कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की बाद में उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम गृह नामक एक महिला आश्रय स्थल भी खोला अतः कथन दो सही है वह बाल विवाह के खिलाफ थी और सती प्रथा का कड़ा विरोध करती थी फुले दंपति ने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह की भी स्थापना की थी सावित्रीबाई फुले ने भिड़ावाड़ा स्कूल में ज्योतिबा के दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा बेगम शेख को काम पर रखा था फातिमा देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी अतः कथन एक सही है 10 मार्च अठारह को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया था तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हुआ डी अगला प्रश्न सीनाई पर्वत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह पर्वत केवल ईसाई और इस्लामी धर्म में एक पारंपरिक और पवित्र स्थल है कथन दो यह इसराइल में स्थित है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है ऑप्शन है ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और न ही दो तो इस सवाल का सही जवाब है डी ना तो एक और न ही दो माउंट सिनाई की लोकेशन के संदर्भ में धार्मिक और अकादमिक विद्वानों में एक लंबा विवाद रहा है इनमें से अधिकांश मिस्र की सीमा से लगे सीनाई प्रायद्वीप के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हैं सीनाई पर्वत को मूसा का पर्वत अथवा माउंट हरेहो के नाम से भी जाना जाता है यह दक्षिण मध्य सीनाई प्रायद्वीप का एक ग्रेनाइट शिखर है माउंट सीनाई यहूदी इतिहास में एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है जहाँ ईश्वर मूसा के सामने प्रकट हुए और उन्हें दस आदेश दिए यहूदी ईसाई और इस्लाम धर्म में माउंट सीनाई को एक पारंपरिक स्थल के रूप में, में स्वीकार किया गया है अतः कथन एक सही नहीं है यह पर्वत पहले इसराइल प्रशासन के अधीन था लेकिन बाद में इसे मिस्र में शामिल कर दिया गया अतः कथन दो भी सही नहीं है यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी अब बढ़ते हैं आज के दसवें और अंतिम प्रश्न की ओर निम्नलिखित में से कौन सा देश सूडान के साथ सीमा साझा नहीं करता है एक इरिट्रिया दो जिबूती तीन लीबिया या फिर चार केन्या नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ऑप्शन है ए केवल एक और दो बी केवल दो और तीन सी केवल एक और चार या फिर डी केवल दो और चार तो इस सवाल का सही जवाब है डी केवल दो और चार हाल ही में सूडान में राजनीतिक गतिरोध और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है आइए अब जानते हैं सूडान के बारे में सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य चार्ड मिस्र इरिट्रिया इथियोपिया लीबिया दक्षिण सूडान और लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है अतः विकल्प सही है यह 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका और अरब लीग का सबसे बड़ा देश था अब इन दोनों मामले में अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है इसकी राजधानी खारतूम है और इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर अमन है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी केवल दो और चार। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम विक्रांत नौसेना के सेवा मुक्त प्रथम वाहक के नाम पर रखा गया है कथन दो आई ए सी वन बोर्ड पर छिहत्तर प्रतिशत से अधिक चीजें और उपकरण स्वदेशी हैं। कथन तीन इसकी उच्चतम गति 30 समुद्री मील होने की उम्मीद है और यह है चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है आपके ऑप्शन है ए एक और दो बी दो और तीन सी एक और तीन या फिर डी एक दो और तीन तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए जय हिंद